गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना टॉपिक मूड डिसऑर्डर चल रहा है उसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिप्रेसिव एपिसोड के अंदर देखा था कि इसके क्लिनिकल फीचर्स और नॉर्मल इंट्रोडक्शन। आज अपन देखेंगे इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा प्रीवियसली अपन देख लेते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड का मीनिंग क्या है। डिप्रेसिव एपिसोड, डिप्रेशन का मीन्स सिंपल, जो पर्सन की जो लाइफ है वो क्या होता ना, डिफरेंट होता ना बिल्कुल अदर पीपल से। लाइक कैसे, जो डिप्रेशन है उसके अंदर क्या होता है, पर्सन के अंदर सैडनेस ऑफ द मूड काफ़ी ज़्यादा रहती है, होपलेसनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ इस्टीम खत्म हो जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है। तो ये कई सारे कॉम्प्लिकेशन है डिप्रेशन की वजह से उसके अंदर आ जाते हैं। डिप्रेशन किसको बोलेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक कोई बच्चा है जो फेल हो गया एक या दो नंबर की वजह से, अभी वो दुखी है, तो अपन उसको डिप्रेशन बोलेंगे क्या? आजकल नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया, ये हो गया, डिप्रेस है, ये वो। एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो डिप्रेशन है वो किसको बोलेंगे, उस पर्सन को, उस स्टूडेंट को डिप्रेशन एक्चुअली नहीं हुआ है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जो थोड़ी देर के बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन उसी को हो जिसके के पीछे कोई रीजन हो कि भाई किसी की डेथ हो गई या फेल हो गया, पास हो गया, एक्सीडेंट, कोई रीजन होना भी ज़रूरी नहीं है। डिप्रेशन है वो किसी भी कारण से हो सकता है। डिप्रेशन मेनली अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है, 2 हफ्तों से उसके क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादा है, लाइक मूड सैडनेस है और प्लेजरेबल एक्टिविटीज वो फील, प्लेजर फील नहीं कर पा रहा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले बैडमिंटन खेलता था तो वो खेलने के अंदर पहले तो उसको एंजॉय फील होता था, अब उसको वही चीज़ करने में कोई प्लेजर फील नहीं होता है, वो सेम चीज़ के अंदर ही, मतलब प्लेजर लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सैडनेस आ गई है, नेगेटिव थिंकिंग आ गई है, तो इसको बोलेंगे अपन डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर अपन फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर मेनली अपन देखेंगे, फर्स्ट डायग्नोसिस होता है बाय द बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ये बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री क्या चीज़ है? इस बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री के अंदर एक क्वेश्चनरी होती है 21 क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट। इस क्वेश्चनरी के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं जिसमें से पर्सन को खुद अपना सेल्फ असेसमेंट करना होता है, जिसके अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन दिए होते हैं रिलेटेड टू डिप्रेशन। क्या आप कहीं जाते हो तो आपको खुशी महसूस होती है, क्या आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं नहीं आते हैं, कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, तो इस तरह से उसके अंदर ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4 दिए होते हैं। तो उसके अंदर खुद पर्सन को खुद को सेल्फ असेसमेंट करना होता है और टिक लगाना होता है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो इस तरह से बाद में उसकी क्या की जाती है, एक स्कोरिंग की जाती है। स्कोरिंग करने के बाद में एक नंबरिंग दी हुई होती है नीचे की तरफ, उसी परफॉर्मा के अंदर उस नंबरिंग के अंदर दिया जाता है कि 0 से लेकर 10, अगर 10 तक कोई आ रहा है, 10 से लेकर 16 तक कोई आ रहा है, 16 से लेकर 20 तक कोई आ रहा है, 20 से लेकर 30 तक अगर कोई आ रहा है, 40 तक अगर कोई आ रहा है, तो इस हिसाब से अलग अलग इसको माइल्ड डिप्रेशन है, बॉर्डर लाइन डिप्रेशन है, रिकरेंट डिप्रेशन है, इस तरह से उसको डिप्रेशन का पेशेंट है या नहीं। तो पर्सनल असेसमेंट के थ्रू, उस क्वेश्चनरी के थ्रू भी डायग्नोसिस किया जा सकता है डिप्रेशन को। तो इस तरह से बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री को काम में लिया जाता है। सेकेंड, हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल, ये भी इसी तरह का एक बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री की तरह ही एक क्वेश्चनरी होती है जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं, मूड दिया होता है, सैडनेस दी होती है, अलग अलग टॉपिक, सुसाइड दिया होता है, ऐसे टॉपिक दिए होते हैं, उसके अंदर भी सेल्फ असेसमेंट करना होता है।
उसके अंदर भी अपने को टिक करना था, जिस हिसाब से नंबरिंग होती है उस हिसाब से अपन जो हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल के थ्रू अपन डिप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज डेक्सामेथासोन सस्पेंशन टेस्ट, डेक्सामेथासोन सुप्रेशन, सॉरी सुप्रेशन टेस्ट। अब डेक्सामेथासोन जो ड्रग है उसके थ्रू सुप्रेशन टेस्ट किया जाता है। कैसे कि पेशेंट डिप्रेशन वाले पेशेंट को डेक्सामेथासोन दी जाती है, जब डेक्सामेथासोन उसको दी जाती है तो उसके बॉडी में बढ़े हुए कॉर्टिसोल जो कि हार्मोनल एबनॉर्मलिटी के कारण बढ़ जाता है तो वो डेक्सामेथासोन के थ्रू कम हो जाएगा अगर नॉर्मली वैसे ही बढ़ाए तो। अगर वो कॉर्टिसोल की मात्रा डेक्सामेथासोन से कम नहीं हो रही दैट मीन्स उसको मे बी डिप्रेशन है। देन फोर्थ पॉइंट इज टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो कई तरह की मेडिसिन ले रहा है लाइक अदर अदर डिसऑर्डर की बीपी शुगर काफ़ी सारी जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके अंदर उनके द्वारा उसके अंदर कोई उन मेडिसिन के थ्रू उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है वो जितनी भी मेडिसिन ले रहा है और उनकी स्क्रीनिंग करके डिप्रेशन उसकी वजह से तो नहीं हुआ ये फाइंड आउट किया जाता है। देन अपन स्टार्ट करते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी ऑफ द डिप्रेशन। अब डिप्रेशन भी अपन देखते हैं तो डिप्रेशन बेसिकली कितनी तरह का होता है, यूनिपोलर एंड बाइपोलर या मूड डिसऑर्डर बोल सकते हैं यूनिपोलर और बाइपोलर। अब जो डिप्रेशन है ये जो डिप्रेशन है ये बेसिकली यूनिपोलर और बाइपोलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे यूनिपोलर, देन अपन देखेंगे बाइपोलर। बाइपोलर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन काम आएगी, यूनिपोलर के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन काम आएगी, कौन सी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो काम में आएगी, उनको वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं बाइपोलर क्या है, यूनिपोलर क्या है। नाम से ही क्लियर हो रहा है यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब एक ही चीज है, मतलब क्या है डिप्रेशन। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन के एपिसोड आते रहते हैं, एक डिप्रेशन का एपिसोड आया फॉर एग्जाम्पल 4 to 5 months, देन नेक्स्ट ईयर भी उसको डिप्रेशन का एपिसोड आ रहा है 4 months 3 months, तो वो क्या है यूनिपोलर, यूनिपोलर डिप्रेशन है। बाइपोलर डिप्रेशन क्या होता है, बाई मीन्स दो पोल, बाइपोलर मीन्स दो पोल, लाइफ के दो पोल हो गए या साल के दो पोल हो गए। एक पेशेंट है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसको क्या होगा, साल के एक टाइम में उसको क्या रहेगा मेनिया, और साल के एक टाइम में उसको रहेगा डिप्रेशन। तो बाइपोलर के अंदर क्या होगा, साल के एक टाइम में उसको रहेगा 3 to 4 months रहेगा मेनिया और 5 to 6 months रहेगा उसको डिप्रेशन, और बीच में कुछ ऐसा टाइम भी होगा पॉज का टाइम होगा जिसके अंदर वो बिल्कुल आपको सही सही मिलेगा, मतलब उसके अंदर ना तो मेनिया के फीचर्स होंगे ना उसके अंदर डिप्रेशन के फीचर्स होंगे। अगर कहीं पे भी आप उससे मिल रहे हो, किसी भी जगह मिल रहे हो, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उस टाइम वो बिल्कुल सही रहेगा। अब अपन बात करते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर के क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिपोलर को फर्दर अपन ने डिवाइड किया है, यूनिपोलर को अपन ने फर्दर डिवाइड किया है रिफ्रैक्टरी और
एंड्रोजिनस। रिफ्रैक्टरी और एंड्रोजिनस। रिफ्रैक्टरी क्या है? रिफ्रैक्टरी यूनिपोलर या रिफ्रैक्टरी मैनिक डिप्रेसिव एपिसोड। रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन क्या होता है? इसके अंदर जो भी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी वजह से जो डिप्रेशन हो रहा है वो होता है रिफ्रैक्टरी डिप्रेशन। और एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है? वो डिप्रेशन जो कि बायोकेमिकल चेंजेस के कारण अपनी बॉडी के अंदर हो रहा है। बायोकेमिकल चेंजेस क्या हो गए? न्यूरोट्रांसमीटर हो गए, उनके अंदर चेंजेस हो रहा है, हॉर्मोन्स है उनके अंदर चेंजेस हो रहा है, ब्रेन के अंदर जो चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे एंडोजिनस डिप्रेशन। अपनी बॉडी के अंदर मोनोएमिन्स होते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, एमीन्स मीन एमीन ग्रुप। इन मोनो एमीन्स को अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये बेसिकली डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है नॉरएपिनेफ्रिन, सेकंड इज सीरोटोनिन, थर्ड वन इज डोपामिन। ये तीनों क्या है? मोनोएमीन्स। ये तीनों है मोनोएमीन्स, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन। ये देखा जाता है बेसिकली कि जब किसी को डिप्रेशन होता है तो एंडोजिनस के अंदर इन तीनों मोनोएमीन्स, इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर की जो लेवल है इनका वो डिक्रीज हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको किसी काम को करने के लिए आपके अंदर उत्साह है वो जनरेट करते हैं। आप खुशी महसूस करते हो, एक्साइटमेंट फील करते हो, जोक करते हो, कुछ भी आप खुशी वाले जो भी काम करते हो, ये जो भी करवा रहा है ये करवा रहा है नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन। जब इनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी? कम होगी, तो मे बी आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो अगर इनका लेवल बढ़ा दिया जाए तो क्या हो सकता है? डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है। तो इसी के लिए इन्हीं के ऊपर एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स है जो काम में ली जाती है। नाउ द फ्यू मेडिसिंस आर, दीज मेडिसिंस आर एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स नाम से क्लियर हो रहा है, एंटी डिप्रेशन। नाम से क्लियर हो रहा है कि एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स है जो डिप्रेशन को इनहिबिट कर रही है। तो इसके अंदर मोस्टली कौन कौन सी ड्रग्स ली जाती है? SSRIs, MAOIs, TCAs एंड अदर काइंड ऑफ मेडिसिंस एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज लाइक ECT और एक्सेट्रा। तो इन मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के थ्रू, डिफरेंट काइंड की थेरेपीज के थ्रू डिप्रेशन को हील किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेडिसिन SSRIs। ये जो SSRIs है उसका पूरा नाम है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नाम से क्लियर हो रहा है। सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड, किसके ऊपर सेलेक्टेड है? सीरोटोनिन के ऊपर सेलेक्टेड है। रीअपटेक, किसका रीअपटेक हो रहा है? सीरोटोनिन का रीअपटेक हो रहा है। उस रीअपटेक को इनहिबिट, इनहिबिट मतलब उसको रोकना।
सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो सीरोटोनिन का रीअपटेक हो रहा है उस रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है ये SSRI मेडिसिन। अपन ने देखा था कि जो मोनोएमिन्स होते हैं लाइक सीरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएम्फिनेफ्रिन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब इनका लेवल है जो कम हो जाता है तो डिप्रेशन एंडोजीनस सिस्टम के थ्रू डिप्रेशन हावी होता है, डिप्रेशन जनरेट होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सीरोटोनिन के ऊपर कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाती है, SSRI मोस्ट कॉमनली ये ड्रग्स है जो काम में ली जाती है डिप्रेशन पेशेंट के अंदर, ये फेमस एंटी डिप्रेशेंट ड्रग्स हैं SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन इनहिबिटर। इसके कुछ एग्जाम्पल है लाइक फ्लुक्साटीन, फ्लुक्साटीन है जो किसके अंदर आती है SSRI के अंदर। नेक्स्ट अपन लेते हैं मेडिसिन MAOIs, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, मेडिसिन का पूरा नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये भी एक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है। और अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया था मोनोअमीन क्या होते हैं, मोनोअमीन आर द न्यूरोट्रांसमीटर, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड नॉरएम्फिनेफ्रिन, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है MAOIs है जो क्या कर देती है इनहिबिट कर देती है, जिससे इनका लेवल है जो ब्रेन के अंदर, इन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है जो ब्रेन के अंदर डिक्रीज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी मेडिसिन आती है MAOIs के अंदर, फिनालजिन, नार्डिलिन ब्रांड से ये जो है मेडिसिन बिकती है। अब अपन देखते हैं TCA की फुल फॉर्म होगी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन, ये भी एक एंटी डिप्रेशेंट मेडिसिन है। और इसके एग्जाम्पल है लाइक डॉक्सीपाइन, क्लोमिप्रामिन, ये TCA के अंदर मेडिसिन है जो काम में ली जाती है। देन अपन देखते हैं फिजिकल थेरेपीज फॉर द डिप्रेशन, कौन कौन सी फिजिकल थेरेपी काम में ली जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज, सीवियर डिप्रेशन के अंदर इसको काम में लिया जाता है जब किसी पर्सन को सीवियर डिप्रेशन हो, सीवियर डिप्रेशन ना हो तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन काम में ली जाती है या कुछ डिफरेंट कॉग्निटिव थेरेपीज है जो काम में ली जाती है। देन लाइट थेरेपी काम में ली जाती है। अब लाइट थेरेपी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लाइट है वो भी क्या करती है अपने मूड को क्या करती है एलिवेट करती है, और मूड लाइट के अंदर क्या एलिवेट होता है थोड़ा खुश होता है, तो इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल है जो ब्रेन के अंदर वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है साइकोसोशल ट्रीटमेंट के अंदर कुछ डिफरेंट थेरेपीज काम में लेते हैं जिसके नाम है साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये डिफरेंट काइंड की जो थेरेपीज है ये नाम से अपन क्लियर हो रहा है। फैमिली थेरेपी मतलब जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर को अपन डिप्रेशन के बारे में अवेयर करेंगे और फैमिली मेम्बर्स को इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, इनको क्या मेडिसिन देनी है, क्या एक्सरसाइज करवानी है, मेडिटेट करवाना है, या इन पेशेंट के अंदर कोपिंग मैकेनिज्म है वो डेवलप करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करना है, जो गिल्ट की फीलिंग है वो उसके अंदर रिमूव करनी है आपको। देन ग्रुप थेरेपी, एक सिमिलर ग्रुप होता है एक पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड, जैसे डिप्रेशन वालों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर उनको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ ऐसा पार्ट प्ले करने के लिए दिया जाता है, ड्रामा प्ले करने के लिए दिया जाता है, जिससे वो साथ मिलकर एक काम करें और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, गिल्ट दूर हो, इंटरपर्सनल रिलेशन है जो उनके अंदर और ज़्यादा डेवलप हो। और कॉग्निटिव थेरेपी क्या है, कॉग्निटिव थेरेपी बेसिकली जो थॉट प्रोसेस जो पेशेंट का चेंज हो गया है वो कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू सही किया जाता है। थॉट प्रोसेस कैसे, जो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ गई है उनको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना, जो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आ गई है वो रिमूव करना, ये सारी चीज़ें हैं कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर उसको दी जाती है।
तो ये अपना टॉपिक था डिप्रेसिव एपिसोड या डिप्रेशन जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर्स। थैंक यू।